हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे के करीब। तो फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव भगवान के आपके परिवार पे और आपके पूरे परिवार पे शिव भगवान की कृपा बनी रहे और आप लोग सदा खुश रहें। तो चलिए आज चलते हैं और शिव भगवान के दर्शन करके आते हैं। और मेरे साथ जा रहा है यहाँ पे अनु, और लेट हो गई हूँ यार, क्योंकि ना सुबह बहुत काम करना पड़ता है। थोड़ा लेट भी उठी आज, तो क्योंकि बच्चों का छुट्टी होने से क्या होता है ना, मन भी नहीं करता है थोड़ा जल्दी उठने का, तो थोड़ा लेट ही उठी। तो लेट ही मैं मंदिर भी जा रही हूँ, कोई बात नहीं, शिव भगवान के दर्शन करके आ जाएंगे। बाहर का मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है, बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है आज, और मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ठंडा होगा, अभी गर्म शुरू होने वाला है। तो अभी हम लोग रोड में चल रहे हैं और हमें थोड़ा और आगे जाना है। ये है एयरपोर्ट रोड। एयरपोर्ट रोड से होते हुए हम लोग रेलवे पटरी के सामने ठीक एक शिव मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। जो ये पीपल का पेड़ दिख रहा है उसके ठीक नीचे शिव भगवान का मंदिर है, और सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को भी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शिव भगवान के मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे है ये विशाल सा पीपल का पेड़, और ठीक उसके नीचे बना हुआ है शिव भगवान का मंदिर। और यहाँ पे सभी श्रद्धालु आए हुए हैं शिव भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ अंदर और शिव भगवान के दर्शन करवाती हूँ। ठीक ये रेलवे पटरी है ना, तो ठीक उसी के सामने ये मंदिर बना हुआ है। ये यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। हेलो,
तो अभी हम लोग शिव भगवान के दर्शन करके आ गए हैं और दीदी लोग भी उधर ही गए हुए थे दर्शन करने के लिए और सभी लोग आ चुके हैं। हाँ दीदी दीदी अभी प्याज ले रहे हैं तो चलिए सबने दर्शन कर लिए हैं दीदी और भी। अब मैं अभी निकल रही हूँ घर के लिए। मंदिर में जाने से क्या लगता है ना, मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम खिला खिला जैसा लगता है और जो भी भारीपन होता है ना मन में वो एकदम माथा इतना हल्का हो जाता है, रिलैक्स जैसा फील हो रहा है अभी तो। सच में क्यों बोलते हैं मंदिर तीर्थ स्थान जाया करो, है ना, इसलिए तो मन एकदम हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा लग रहा। तो भोलेनाथ बाबा के दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं और आप लोगों पे भी और हम पे भी भोलेनाथ बाबा की कृपा बरसती रहे और आप लोग हमेशा खुश रहें। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।